ਤੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਕਾਤੋ ਰਹੀਏ ਡੋਲ ਦਿੱਲੀ ਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀ ਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਦਿੱਲੀ ਏ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਹਾਰੇ ਮੇਰੇ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने तीसरे और आखिरी बिल की, जो है द फार्मर एसेंशियल कॉमोडिटीज बिल 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम या भंडारण का नियम। यह बिल 1955 में पहले भी सरकार लेके आ चुकी है, अब इस बिल में कुछ चेंजेस करके सरकार दोबारा लेकर आई है। यह बिल लाने की जरूरत क्या पड़ी, इस बिल को क्यों लेकर आया गया? जब 1955 में सरकार इस बिल को लेकर आई तो सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि होल्डिंग को रोकना, मतलब कि काला बाजारी को रोकना। द फार्मर एसेंशियल कॉमोडिटीज का बिल ये कहता है कि आप उन वस्तुओं को स्टोर नहीं कर सकते जो कि जरूरत की हैं। अब जरूरत की वस्तुएं है क्या, इसकी भी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। सरकार के द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है जिसके अंदर सरकार कभी कभी कुछ चीजें ऐड कर देती है, कभी कभी कुछ चीजें रिमूव कर देती है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, मार्च 2020 में सरकार ने इस लिस्ट में हैंड सैनिटाइजर और मास्क को ऐड कर दिया था कि ये एसेंशियल लिस्ट में ऐड होने के बाद अब इसको कोई भी स्टॉक नहीं कर सकता, कोई भी इसका भंडारण नहीं कर सकता। लेकिन जुलाई 2020 में सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को इस लिस्ट से बाहर कर दिया। जैसे ही कोई प्रोडक्ट इस लिस्ट में ऐड होता है, वह सरकार के कंट्रोल में आ जाता है और सरकार ही उसका पूरा प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में लेके देखती है। अब जैसा कि आप सब समझते हैं, डिमांड और सप्लाई, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ने लगता है। मान लीजिए आज की डेट में प्याज को अगर हम स्टॉक कर लेते हैं, उसका भंडारण कर लें, तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ने लग पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति ने उसको स्टॉक किया हुआ है, वो समय समय पर अपने मन चाहे दामों से प्याज को बेचेगा और प्याज की प्राइस हाई हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में सरकार क्या करेगी, सरकार आएगी और प्याज को उठा के एसेंशियल लिस्ट में ऐड कर देगी। अगर कोई व्यक्ति प्याज को स्टॉक करता है तो सरकार के द्वारा उसको जेल भेजा जाएगा और उसको उचित सजा दी जाएगी। अब आते हैं अपनी मुद्दे की बात पर। जो ये बिल सरकार के द्वारा कह रहा है और जो सरकार की इंटेंशन और सरकार की गलत धारणा इस बिल में दिखाई दे रही है, बिल में सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि हम पांच चीजों को एसेंशियल लिस्ट से बाहर करते हैं। वो पांच चीजें कौन सी हैं? आलू, प्याज, अनाज, तेल और दाल। आलू, प्याज, तेल, अनाज और दाल, इन पांचों चीजों को हम एसेंशियल लिस्ट से बाहर रखते हैं। और ये भी सरकार ने मेंशन कर दिया है कि ये चीजें तब तक एसेंशियल लिस्ट में नहीं ऐड होंगी जब तक देश में कोई युद्ध जैसी स्थिति ना हो और अचानक अगर किसी चीज का प्राइस ना बढ़ जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन पांचों चीजों का कोई भी स्टॉक करता है या भंडारण करता है तो सरकार उसको कुछ नहीं कहेगी, तो सरकार के द्वारा सजा का इसमें कोई प्रावधान नहीं रह जाएगा। अब सरकार ये कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा और किसानों को अच्छे प्राइस मिलेंगे। लेकिन आप नोट करें, जिस दिन से ये चीजें एसेंशियल लिस्ट से बाहर हुई हैं तो इन सब चीजों के प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। दिक्कत की बात यह है कि किसानों के पास इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउसेस नहीं है जहां किसान ये सामान रख सके, तो इन सब चीजों का स्टॉक कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है, इन सब चीजों का स्टॉक बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने गोदामों में करेंगी, अपने अपने कोल्ड स्टोरेज में करेंगी। इसका जो असली फायदा है वह बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियां ही उठाएंगी। वो इन सभी चीजों को स्टॉक करके इसकी आर्टिफिशियल एक डिमांड पैदा करेंगी। अब बात आती है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब, इन दो स्टेटों में ही क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। पहली बात, ये दोनों स्टेट की इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड है और हरियाणा एक ऐसा भारत का स्टेट है जो 60% आपको बासमती चावल उगा कर देता है, और पंजाब आपका एक ऐसा स्टेट है जो ऑल ओवर इंडिया में 2/3 गेहूं की पैदावार करता है। यानी वीट की जो उपज होती है वो ऑल ओवर इंडिया में 2/3 से भी ज्यादा पंजाब में होती है। हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से गेहूं और चावल बल्क में खरीदती है और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देती है। वो टैक्स कितना देती है, वो 8.5% देती है,
जो कि 2.5% आपका एपीएमसी मंडी में जाता है और 6% सीधा टैक्स आपका स्टेट को जाता है। अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो सिर्फ पंजाब को 3600 करोड़ रुपए इस टैक्स से पिछले साल आया था। अब ये स्टेट गवर्नमेंट इसको खर्चा कहाँ करती है, वो अपने हिसाब से इसको खर्चा कर एग्रीकल्चर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सड़कें बनवाने में इसका खर्चा करती है। लेकिन ये बिल आने से अब ये चीजें बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं था कि सरकार को पता नहीं था कि कौन कौन से स्टेट में प्रोटेस्ट होगा और किस किस लेवल का होगा या कौन कौन पार्टी छोड़ सकता है। सरकार को सब कुछ पता था, तभी ये सरकार इस बिल को कोविड के समय में लेकर आई। ये हर एक पार्टी को पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, वो 15% की जीडीपी को सपोर्ट करता है, लेकिन इन सब बातों को छोड़कर कभी भी कृषि को फर्स्ट या प्राइमरी ना रखकर इस मॉडर्न इकोनॉमी में सेकेंडरी बेस पे ही रखा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया की जो 45% पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट आपकी कृषि से जुड़ी हुई है, फार्मिंग से जुड़ी हुई है, 15% इनडायरेक्ट जुड़ी है जो कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर का बनाने का काम करते हैं। तो अगर कुल मैं बात करूं तो इंडिया की 58% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। इतना बड़ा वोट बैंक किसी चीज से जुड़ा होता है तो वहां से शुरू होती है पॉलिटिक्स। इतने सालों से किसानों का जिक्र हर जगह चल रहा है, भले वो भाषण हो, भले वो मैनिफेस्टो हो, लेकिन असलियत में किसानों को किसी भी पार्टी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। जो किसान इतने सालों से खेती कर रहे हैं, आज भी उनके गांवों में कच्चे मकान हैं, और वो किसान ही हैं जिनके बेटे आज फौज में जाके भर्ती होते हैं। अगर आप एक लग्जरी कार खरीदने जाएंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% से स्टार्ट होगा। वहीं अगर कोई किसान ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो उस पर 17% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर मैं ओवरऑल लैंड की बात करूं तो किसान की 1 हेक्टेयर या 1.1 हेक्टेयर की बात करूं तो 1 हेक्टेयर में किसान 27 क्विंटल गेहूं उगाता है। क्विंटल गेहूं किसान 6 महीने की मेहनत और खून पसीना एक करके उगाता है, 1975 रुपए। अगर मैं इसको मंथली में डिवाइड करूं तो मंथली में इसकी इनकी इनकम आएगी 8662 रुपए, 8662 रुपीज। और अगर इसी को मैं पर डे के हिसाब से डिवाइड करूं तो आएगी 288 रुपए, यानी 288 रुपीज। आप खुद देख लीजिए कितना फर्क आ रहा है। और ये 288 रुपए, जो 288 रुपीज निकल रहे हैं, ये कोई एक व्यक्ति की इनकम नहीं है। ये 288 रुपए उन चार या पांच या जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ये उनके एक महीने की इनकम है। आप खुद देखिए आज की डेट में किसान कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर इसमें आप किसी रेलवे के जंक्शन पर भी चले जाएं और किसी सरकारी बस पर भी चढ़कर दिन भर मांगे तो इससे ज्यादा आप कमा लेंगे। आज से लेकर अब तक जब से देश आजाद हुआ है, किसान की इनकम सिर्फ 19% तक बढ़ी है। यानी किसान 1947 में देश आजाद होने के बाद 100 रुपए कमा रहा था तो आज की डेट में 119 रुपए कमा रहा है। वही अगर हम एक एमपी की सैलरी देखें तो वो 280% इंक्रीज हुई है, 280 गुना इंक्रीज हुई है। अगर कोई एक्स एमपी एक्स एमएलए बनता है तो वो डबल पेंशन उठाता है। अगर एक एमपी का ओवरऑल सैलरी ब्रेकअप देखें तो उसका साल भर की इनकम होती है 40 लाख की। मैं किसी इनहैंड की बात नहीं कर रहा हूं जो कि रिटर्न पेपर में है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। आप अगर गवर्नमेंट की कैंटीन देखें तो इस कैंटीन में इतना सस्ता खाना मिलता है कि जो पूरे इंडिया में नहीं मिलता होगा। असलियत में तो उस कैंटीन की जरूरत एक किसान को है, ना कि किसी करोड़पति को। अगर मैं मक्के की बात करूं, इस समय करंट एमएसपी मक्के की 1850 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से चल रही है। अगर आप किलो में इसकी बात करेंगे तो 18 रुपए 50 पैसे पर केजी आएगा। वहीं अगर मार्केट में हम इसका प्राइस चेक करते हैं तो 480 रुपए पर किलो, 480 रुपीज पर केजी। वहीं अगर आप और फ्लेवर ऑनलाइन साइटों पर देखें तो 700 रुपए पर किलो तक भी मक्के को बेचा जाता है। अब आप खुद देख लीजिए कि कितना डिफरेंस है, बीच में बिचौलिए कितना मुनाफा कमाकर ले जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि पूरी दुनिया में भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां ओनर सबसे सस्ते में खरीदता है, कंज्यूमर यानी कि हम लोग सबसे महंगे में खरीदते हैं, और जिसकी ना लैंड है, जिसकी ना फसल है, वो अच्छा खासा मुनाफा कमाकर किनारे हो जाता है।
और अगर मैं बात करूं आपसे पार्लियामेंट की कि कब ये कानून आया, 5 जून को, 17 सितंबर को, कैसे पास हुआ, क्यों आया, कैसे हुआ, कब हुआ, तो इस विषय में बात करने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्योंकि सभी पार्टीज को मालूम है, सभी पॉलिटिकल नेताओं को मालूम है कि इससे आने वाले समय में किसानों को 4 साल 5 साल बाद नुकसान होगा और सारा प्रॉफिट प्राइवेट कंपनीज उठाएंगी। तो ये सारी पार्टियां सिर्फ एक्टिंग करती हैं और सभी सिर्फ यही कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आता हूं, जो कि बातें नाम मात्र की हैं। जहां पार्लियामेंट की बात आई है तो मैं आपसे ये भी एक बार डिस्कस कर दूं कि कुछ लोग बोल रहे थे कि किसानों को कोर्ट में जाना चाहिए, तो पार्लियामेंट के अंदर उस 4 दीवारी के अंदर कुछ भी होता है तो जो अनुच्छेद 122 है यानी आर्टिकल 122 ये कहता है कि उस पार्लियामेंट की दीवार के चौगिरदा तरफ कुछ भी अंदर हो जाए तो कोर्ट को हस्तक्षेप करने का कोई भी हक नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, जो स्पीकर है वही डिसाइड करेगा, उसी का निर्णय अंतिम होगा कि क्या फैसला लेना है। एट द एंड में अगर इस बिल की बात करूं तो इस बिल में क्या खामियां हैं और क्या कमियां थी जो पंजाब और हरियाणा के किसान आज की डेट में प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। पहली चीज, होल्डिंग की कालाबाजारी को इसमें बढ़ावा दिया गया है, जो कि 5 चीजें सभी को दिख रहा है कि जरूरत की है, आलू, प्याज, अनाज, दाल और तेल, इनको एसेंशियल लिस्ट से बाहर किया गया है, यानी कोई भी इसको कालाबाजारी करके अपने पास स्टॉक कर लेगा तो सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। किसानों की स्थिति को समझने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की रॉकेट साइंस की हमको जरूरत नहीं है या कोई बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारियों की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। देखे और इतना कर दे कि जिसकी लैंड है उसको फायदा हो, उसका थोड़ा मुनाफा हो, अगर उसको मुनाफा होगा, उसकी हालत सुधरेगी, उसका जीवन स्तर अच्छा होगा तो वह आगे और जमीन लेगा और अच्छे स्तर पर खेती करेगा और आपको और गेहूं की पैदावार करके देगा, जिससे वो खुद तो किसान मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा, अपने साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाएगा और देश की जीडीपी को भी ग्रोथ करेगा। साथियों, ये था हमारा तीसरा बिल, द फार्मर एसेंशियल कॉमोडिटीज। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो देखकर लगा हो कि आपने कोई जानकारी हासिल की है तो कृपया प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। खत्म करने से पहले मैं एक ये भी बात बता दूं कि जो ये 3 बिल आए थे, इन 3 बिलों का जिक्र तो किसानों ने सरकार के सामने किया ही था, लेकिन जब 3 दिसंबर को सभी 31 या 35 किसान की जत्थेबंदियां सरकार से मिलने गई थी तो उन्होंने इसके अंदर 2 बिल और ऐड कर दिए थे, यानी टोटल जो किसान नेता हैं अब वो 5 बिलों का विरोध कर रहे हैं। 3 तो जो सरकार लेकर आई है, 2 उन्होंने अपने तरफ से ऐड किए हैं। चौथा है आपका द कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी पराली जलाने वाला। 5वां है आपका प्रपोजल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2020 पर जो खर्चा होता है उस पर भी किसान नेता चर्चा करने गए थे। अब आने वाली अगली मीटिंग 5 दिसंबर को रखी गई है, उस मीटिंग में कोई भी डिसीजन होता है या सरकार नई चीज करती है, कुछ चीज ऐड करती है या कोई चीज रिमूव करती है तो आने वाले समय में मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस 4-5 घंटे आदि बात दिल्ली है, तैनू याद करवा देंगे औकात दिल्ली है।